श्री कृष्ण ने कहा, प्रतासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीतकर देवों को परास्त कर दिया था, देवताओं को देवलोक से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता दसों दिशाओं में भाग रहे थे। तभी सभी देवता इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। देवताओं की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, समुद्र द्वीप में रहने के कारण वे निरापद, निरंकुश और बलशाली हो गए हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से न मरने का वरदान प्राप्त किया है। आप लोग अगस्त मुनि के पास जाएं, वह समुद्र पी जाएंगे जिससे उन्हें वहां से भागना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सभी देवता अगस्त मुनि के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने अगस्त मुनि से मदद मांगी। अगस्त मुनि ने कहा कि मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा। सभी देव अपने अपने लोक लौट गए। इधर अगस्त मुनि ने विचार किया कि मैं इतना समुद्र कैसे पी सकता हूँ। उन्होंने श्री गणेश का स्मरण किया और शकर चतुर्थी का व्रत किया। 3 महीने उन्होंने लगातार इस व्रत को किया। इससे श्री गणेश जी प्रसन्न हुए। इसी व्रत के प्रभाव से अगस्त मुनि ने पूरे समुद्र को पीकर सुखा दिया था। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्व वन और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है।